Hey everyone, this is Aman Tilak from AIIMS Delhi. यार छोटा सा वीडियो मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी कह लीजिए, सेल्फ एनालिसिस की स्ट्रैटेजी, जिससे आप जान सकते हो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे एक्सेल करो. ठीक है, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, है ना. सो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है यार, मैं आपको नॉर्मल वीडियो जैसे यार 45 डे स्ट्रैटेजी, 50 डे स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत बार बना चुका हूं, लेकिन इतनी बार नीट पोस्टपोन हो चुका, आपको ऑलरेडी पता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, है ना. बेसिक इस वक्त क्या जरूरत है ना, आपको अपनी एनालिसिस करने की जरूरत है, है ना. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, स्वॉट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट. ठीक है, सो दिस इज एसेंशियल. आप कुछ भी आप एम कर रहे हो ना, उसमें आप अपनी ये एनालिसिस करोगे. ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये आपकी इंटरनल चीजें हैं, है ना, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल चीज है. थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक में बहुत बहुत आपकी वो स्ट्रेंथ है, सो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई. वीकनेस, आपको कोई फिजिक्स लेट से कोई चैप्टर से डर लगता है, वो आपकी वीकनेस हो गई. आप यार बहुत कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ हो गई. लेट से आप एग्जाम के टाइम में आपको डर लगने लग जाता है, तो आपकी वीकनेस हो गई. सारी इंटरनल चीज है. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट पर, है ना. ये दोनों एक्सटर्नल चीजें होती है. अपॉर्चुनिटी क्या, अपॉर्चुनिटी जैसे कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, अभी नीट एक्सटेंड हो गया, अभी आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिखोगी सर नीट और एक्सटेंड हुआ क्या, उस पर वीडियो बना दो, है ना. सो ये सारी जो चीजें है ना, ये अपॉर्चुनिटीज है ना. अब अपॉर्चुनिटीज ये हो गई कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया. अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपका लेट से एम्स है, एम्स कैंसिल हो गया, है ना, और जिपमर नहीं होने वाला, सारा सिलेक्शन अब नीट के थ्रू होने वाला है ना. और थ्रेट है कि थ्रेट जो ये भी एक्सटर्नल है. लेट से मैं इसको थोड़ा सा और कह देता हूं, लेट से कह नहीं सकते लेकिन नीट कैंसिल हो गया, तो थ्रेट है. लेट से थ्रेट क्या है कि आपको ये जो एडिशनल टाइम मिला, इस टाइम में क्या हुआ, आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ने लगे, तो कट ऑफ इंक्रीज हो गया, तो ये थ्रेट हो गया. फाइन. सो ये आप एक यार एक ऐसे करके अपना एक यार टेबल बना लो, इसमें स्ट्रेंथ SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, इसकी एनालिसिस खुद से करो, है ना. या तो आग बंद करके यार इस वीडियो के बाद 5 मिनट एनालिसिस करना, बहुत बेनिफिट होगा, है ना. अब आपको यार जब ये एनालिसिस करोगे, आपको एक चीज होगा, क्या होगा जानते हो, FOMO, FOMO, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको लगेगा कि यार आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है जो एक्सटर्नल है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम थ्रेट भी है कि है, आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है ना. तो अभी आपको क्या करना है, जब आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा, तो आप रेदर देन ये कमेंट करने के बजाय कि सर नीट पोस्टपोन होगा क्या, कि क्या होगा, इसके बजाय आप क्या करोगे, आप पढ़ने लग जाओगे. खुद एनालिसिस करके देखो, आग बंद करके सोचो, यू विल अंडरस्टैंड इट, है ना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. यार मेरे मैंने जो सारा सब कुछ किया हुआ था, एडिशनल चीजें पड़ी हुई थी, है ना, वो सारा मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सिस्टमेटिकली डाला हुआ है. नीचे लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करो, लाइक करके हौसला बढ़ाओ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. और अपने यार फ्रेंड्स को जितना ज्यादा चाहो उतना शेयर करो. दिस इज अ वेरी छोटा सा वीडियो, बेनिफिशियल वीडियो है, शेयर करो. शेयर यार एजुकेशन और जो ये है ना, शिक्षा बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. और ऐसे रेगुलरली छोटे छोटे वीडियोस, और मैं ऐसा देख रहा हूँ, देखो यूट्यूब पे बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ यार, गाइडेंस बहुत प्रोवाइडेड है, पहले की तरह नहीं यार, 3-4 साल पहले, है ना. सो ऑलरेडी अवेलेबल है चीजें, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है ढंग से. मेरे को फोन आ रहा है, चलता हूं मैं. बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.